हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करा था जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिज्म। इसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो बेसिक ऑफ मैग्नेटिज्म इंट्रोडक्शन उसका क्या होता है, और उसके बाद में हमने देखा था कि हमारा जो करंट लूप होता है वो बिहेव करता है एज ए कैसे मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। और वो हमने किसके लिए निकाला था, हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला था उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट टू सोलेनोइड। अब बार मैग्नेट को हम सोलेनोइड के इक्वल कर रहे हैं तो कोई ना कोई उनके बीच में क्या होगी, सिमिलरिटी होगी, तभी अपन कर रहे हैं। तो अब कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ है, फर्स्ट क्या सिमिलरिटी, व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, जब हम क्या करते हैं कि हमारा जो सोलेनोइड होता है उसको क्या करते हैं, हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं। तो सोलेनोइड को जब आप क्या करते हो, फ्रीली सस्पेंड करते हो, तो आप क्या देखते हो कि वो अपने आप को अलाइन कर देता है, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो अपने आप ऑटोमेटिक वो अपने आप को किस डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर रहा है। और ऐसा करता कौन है, आपकी बार मैग्नेट करती है। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ये सोलेनोइड का जो बिहेवियर है वो किसके जैसा है, बार मैग्नेट के जैसा। सेकेंड सिमिलरिटी क्या है आपकी, एग्जिबिट म्यूचुअल अट्रैक्शन और रिपल्शन। इसका मतलब जब मैं क्या करता हूँ कि आपका एक सोलेनोइड है उसके पास क्या होंगे, खुद के नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे ही कोई दूसरा सोलेनोइड है उसके पास भी खुद के क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेट से आपके ये दो सोलेनोइड है, अगर मैं उनके सेम पोल्स को पास में लाता हूँ तो उनके बीच में क्या, अब मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि जब सेम पोल्स को, सोलेनोइड के सेम पोल्स को जब मैं पास में लाता हूँ तो क्या देखता हूँ, उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन। और जब अपोजिट पोल्स को पास में लाता हूँ तो दो सोलेनोइड के एंड के बीच में क्या होता है, आपका अट्रैक्शन। तो ये जो बिहेवियर है अट्रैक्शन और रिपल्शन का पोल्स की वजह से, ये भी आपका इसका बिहेवियर है बार मैग्नेट का। इसलिए अपन बोलते हैं कि ये एक और सिमिलरिटी किस किस के बीच में, सोलेनोइड और बार मैग्नेट के बीच में। नेक्स्ट क्या है, लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है आपके बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और सोलेनोइड की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दोनों कैसी होती है, सेम होती है। ये आपके बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, नॉर्थ पोल से क्या होती है, अराइज, और साउथ पोल पे क्या हो जाती है, एंड। ऐसे ही सोलेनोइड के अंदर भी क्या होता है, नॉर्थ पोल से अराइज और साउथ पोल की तरफ क्या हो जाती है, एंड। ये जैसे करंट की डायरेक्शन है इधर जा रही है, तो ये जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट हैंड से निकालते हैं, ये आपकी फिंगर को कर्ल कर रहे हो करंट की डायरेक्शन में, जो थंब की डायरेक्शन होती है वो क्या बताती है, नॉर्थ पोल। तो ये सोलेनोइड का नॉर्थ पोल हो गया, ये सोलेनोइड का क्या हो गया, साउथ पोल। तो यहाँ पे ये आपकी जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से किसके सिमिलर है, बार मैग्नेट के। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है सेम होती है, और सेम होती है इनका मतलब इनका बिहेवियर भी क्या सेम है, इसलिए अपन ये को सिमिलरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन एट एक्सिस, मतलब बार मैग्नेट के लिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन होता है, ये आपकी जो बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो उसकी एक्सिस के ऊपर एक कोई पॉइंट लिया आपने आर, आर डिस्टेंस पे कोई आप एक पॉइंट लेते हो पी, तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, और ऐसे आपका जो सोलेनोइड होता है, सोलेनोइड के एक्सिस के ऊपर जो आपका एक आर डिस्टेंस पर आपने एक पॉइंट लिया पी, तो दोनों की एक्सिस के ऊपर जो आपके मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, सेम, बी नो बी इक्वल टू एक्सिस के ऊपर म्यू नोट अपन 4 पाई कॉन्स्टेंट 2 कॉन्स्टेंट एम अपन आर क्यू। एम क्या है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्यू एम इंटू 2L। क्यू एम कितना है, क्यू एम क्या आपका पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, तो 2L आपका क्या हो जाता है, 2 एंड के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। और आर क्यूब, आर क्या है आपकी, आपकी इससे डिस्टेंस जो है वो क्या है आपकी, आर क्यूब। तो ये दोनों के लिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो भी क्या होता है, सेम। तो ये जो सिमिलरिटीज है, इन सिमिलरिटीज से अपन क्या बोल सकते हैं कि आपका जो सोलेनोइड होता है वो क्या कैसे बिहेव करता है, ऐसे बार मैग्नेट बिहेव करता है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि बार मैग्नेट इज एन इक्विवेलेंट ऑफ सोलेनोइड। यस, तो हमने ये तो जान लिया कि हमारा जो सोलेनोइड होता है उसकी और बार मैग्नेट की क्या होती है, सिमिलरिटीज़ होती है। लेकिन वो सिमिलरिटीज़ अपन किस बेसिस पे बोल सकते हैं, एक बार वो ढंग से उसका कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं। फर्स्ट आपका क्या, अपन सोलेनोइड को बोल रहे हैं कि सोलेनोइड एज एन इक्विवेलेंट बार मैग्नेट, और अपन ने सोलेनोइड को बार मैग्नेट बोला वो क्यों बोला, और सेकंड अपन देखेंगे कि बार मैग्नेट एक्ट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, मतलब आपके जो बार मैग्नेट होती है उसका बिहेवियर सोलेनोइड के जैसा क्यों होता है, मतलब इन दोनों को एक दूसरे के जैसे अपन क्यों बोल सकते हैं, वो अपन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज डिटेल में देख रहे हैं। फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं सोलेनोइड एज इक्विवेलेंट बार मैग्नेट, मतलब सोलेनोइड को हम बार मैग्नेट के ऐसे क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि उसका बिहेवियर वैसा होता है। तो एक बार अपन इसका बिहेवियर देखते हैं। अपन को पता है कि ये अपने क्या, ये आपका सोलेनोइड है, ठीक है। इसके अंदर का करंट फ्लो रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है। अब ये करंट की डायरेक्शन, अब मेरे को पता है कि अभी अपन ने बात करी थी प्रीवियस लेक्चर में कि आपका जो लूप होता है, आपका जो लूप होता है वो लूप आपका कैसे एक्ट करता है, एज ए मैग्नेटिक डायपोल एक्ट करता है, एज ए मैग्नेटिक डायपोल एक्ट करता है। मतलब उसका भी एक क्या होता है, नॉर्थ पोल, और एक क्या होता है, साउथ पोल।
ये अपन ने बात करी थी प्रीवियस लेक्चर में। अब यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल लूप से, ठीक है, मल्टीपल लूप से। इसका मतलब इसका हर एक लूप कैसे बिहेव कर रहा होगा, ऐसे मैग्नेटिक डायपोल बिहेव कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे कितने लूप बन रहे हैं, 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पे कितने मैग्नेटिक डायपोल हो गए, 1 2 3, ठीक है। तो अब आपका मैग्नेटिक डायपोल हो गए, तो इसलिए उनका क्या कर रहा हूँ मैं, एज ए मैग्नेटिक डायपोल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आपका जो लूप होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, एज ए मैग्नेटिक डायपोल। इस रीजन से मैं आपका हर एक लूप का यहाँ पे एज ए एक मैग्नेटिक डायपोल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एज ए मैग्नेट उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। तीन लूप है इसलिए मैंने कितनी मैग्नेट बना दी, 3 मैग्नेट बना दी। अब आपका लूप है, करंट है, करंट है तो ऑब्वियसली बात है अपन को पता है कि जो करंट की डायरेक्शन से अपन राइट हैंड थंब से क्या निकालते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डायरेक्शन। तो ये आपका ये आपके करंट की डायरेक्शन है, ऐसे आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर इधर से मैं देखता हूँ तो क्लॉकवाइज मेरा करंट फ्लो हो रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है। तो जब मैं अपनी फिंगर्स को क्या करता हूँ, करंट की डायरेक्शन में कर्ल करता हूँ, तो जो थंब की डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ पोल की। अब सब लूप के अंदर करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम। तो हर लूप के लिए जो आपके नॉर्थ पोल की डायरेक्शन हो जाएगी वो किधर हो जाएगी, टूवर्ड्स राइट, हर लूप के लिए। इसलिए मैंने जितने भी आपके मैग्नेटिक डायपोल बनाए उन सब के अंदर आपकी जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो कौन सी है, राइट साइड है। और ऑब्वियसली जो लेफ्ट साइड हो गई वो कौन सी हो गई, साउथ पोल। अब मैं क्या देखता हूँ कि हर लूप के लिए जैसे ये नॉर्थ पोल बना तो इसका भी पास हो लगा, क्या बन गया, एडजेसेंट का साउथ पोल। तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। ऐसे ही जो सेकंड बन रहा था इसका नॉर्थ पोल और एडजेसेंट का साउथ पोल, तो इन्होंने भी एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। लेकिन जो आपका इनिशियल साउथ पोल है और जो यहाँ पे लास्ट वाला नॉर्थ पोल, इनको कोई भी कैंसिल नहीं कर रहा। इसका मतलब जो मेरी यहाँ पे 3 मैग्नेटिक डायपोल बन रहे हैं, मैग्नेट बन रही है, उनको मैं क्या कर सकता हूँ, एक कंप्लीट मैग्नेट बना सकता हूँ, जिसके वन एंड पे क्या है, साउथ, और वन एंड पे क्या है उसके, नॉर्थ। और उनके बीच की जो, अब ये साउथ पोल बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है आपका ये क्या है, मैग्नेटिक पोल। और अपन को पता है कि मैग्नेटिक पोल ज्योमेट्रिक पोल के क्या होता है, थोड़ा अंदर। तो आपके ये अपन ने क्या कर दिया, ये जो आपके सोलेनोइड की लेंथ थी L, वही अपनी लेंथ कौन सी हो गई, मैग्नेटिक पोल के बीच की लेंथ हो गई, ठीक है। ये आपकी जो लेंथ हो गई, इसी लेंथ को अपन क्या बोल रहे हैं, L, क्योंकि आपके मैग्नेटिक पोल थोड़े से क्या होते हैं, अंदर। इनिशिएट अपन ने किससे करा था, सोलेनोइड से, उसी को अपन ने करंट लूप होने की वजह से क्या बोला, मैग्नेटिक डायपोल, और एक दूसरे को एडजेसेंट कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए अपन उसको ऐसे किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे बार मैग्नेट। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या करा, सोलेनोइड को इक्विवेलेंट करा किसके, बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट करा। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। अब हम क्या कर रहे हैं, बार मैग्नेट को ट्रीट करेंगे कैसे, एज ए सोलेनोइड के, मतलब बार मैग्नेट का सोलेनोइड का बिहेवियर, सोलेनोइड के जैसा बिहेवियर कैसा है और क्यों है। ये जो चीज़ है ये अपन किससे समझ सकते हैं, एम्पियर्स के हाइपोथेसिस से। क्या बोला था एम्पियर ने, कि मतलब आपके जितने भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, जितने भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स पॉसिबल है, वो सारे पॉसिबल किसकी वजह से, आपके सर्कुलर करंट लूप की वजह से। अब अपन को पता है कि जैसे आपका एक एटम की अपन बात करते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, और उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करता है, मोशन करता है। अब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है एक पाथ के अंदर, तो उसको अब सर्कुलर पाथ के अंदर, तो उसको मैं क्या ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता हूँ, करंट लूप। फिर से आपका जो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, क्या करता है, आपका मोशन करता है सर्कुलर पाथ के अंदर। अब सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, मतलब चार्ज मोशन कर रहा है, मतलब आपका चार्ज मोशन कर रहा है, और चार्ज के मोशन को अपन क्या बोलते हैं, करंट। तो इस कहने का मतलब आपका इसको कैसे ट्रीट कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के मोशन को मैं कैसे ट्रीट कर सकता हूँ, ऐसे आपका करंट लूप ट्रीट कर सकता हूँ। अब ऐसे तो आपके बहुत सारे एटम्स होंगे किसी भी बार मैग्नेट के अंदर, जिस भी मेटेरियल से बनी है, तो जितने इसका मतलब उसके अंदर जितने एटम उतने सारे आपके क्या बन गए, करंट के लूप। अब वो वाले मेटेरियल जो क्या होते हैं, जिनसे मैग्नेट अपनी बनती है, जो अपन मैग्नेट बनाते हैं, उन मेटेरियल के अंदर आपका क्या होता है कि जितने भी करंट के लूप होते हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे क्या होते हैं, पैरेलल। जितने भी आपके एटॉमिक लूप होते हैं, एटॉमिक करंट लूप जितने भी होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल, एंड उनमें जो करंट की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन के जो मोशन की डायरेक्शन है वो सब क्या है उसमें, सेम। और सारे के सारे जो लूप है वो एक दूसरे क्या है, पैरेलल होते हैं, ठीक है। किसके अंदर, वो वाले मटेरियल जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, जिससे आपकी क्या बनती है, मैग्नेट। ओनली अपन उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात थी इसकी, मतलब ये सारे जो लूप है इनके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम, और सारे एक दूसरे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं।
होता क्या है कि आपके ये जो एडजेसेंट लूप होते हैं, एडजेसेंट लूप जो होते हैं उनमें क्या होता है कि ये एक दूसरे के करंट के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल। इसका मतलब आपकी जो बार मैग्नेट है, सर्कुलर बार मैग्नेट अपन ने ली है, उसके अंदर जितने भी आपके क्या करंट लूप है, तो इनसाइड ऑफ द बार मैग्नेट जितने भी आपके करंट लूप है एडजेसेंट लूप, वो एक दूसरे के करंट को क्या कर देते हैं, कैंसिल। लेकिन अब फिर बसता कौन सा, ओनली सरफेस का करंट। सरफेस का करंट कैंसिल नहीं होता है, ओनली कौन से होते हैं, इनसाइड वाले। सरफेस वाले को कैंसिल करने के लिए कोई नहीं बसता है। तो ये तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि आपकी जो बार मैग्नेट होती है उसके इनसाइड आपका जो करंट होता है वो कितना हो जाता है, जीरो। ठीक है, ओनली कौन से बचते हैं, सरफेस के। और सरफेस के ऊपर जो करंट लूप बन रहे और सरफेस पे जो करंट लूप होते हैं उसको अपन क्या बोल सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं कैसे, कि आपका क्या एक सोलेनोइड है, क्लोजली वाउंड सोलेनोइड। क्योंकि ये क्या हो रहा है आपका, ये अपन बार मैग्नेट में देख सकते हैं कि ओनली जो करंट बच रहा है वो कौन सा बच रहा है, सरफेस करंट। और सरफेस करंट ही आपका मेनली किस में होता है, सोलेनोइड के अंदर। इसलिए अपन क्या करते हैं कि अपनी बार मैग्नेट को ट्रीट कर सकते हैं कैसे, एज ए इक्विवेलेंट सोलेनोइड। ठीक है, अब ये तो बात हुई आपकी सरफेस की, लेकिन एंड पे आपकी ये जो सर्कुलर बार मैग्नेट है, ये जो सर्कुलर बार मैग्नेट है, सर्कुलर बार मैग्नेट के जो एंड होते हैं, एंड के ऊपर एक, दोनों एंड के ऊपर आपका जो इनका करंट लूप का जो बिहेवियर होता है वो जनरली मिड के अराउंड सिमिलर नहीं होता है। फिर से आपका जो एंड होता है किसका, बार मैग्नेट का, वहाँ पे आपका जो इनका करंट लूप का जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट। उस बिहेवियर के डिफरेंट होने की वजह से जो आपके पोल्स होते हैं वो बिल्कुल एंड पे ना होके एंड से थोड़े से क्या होते हैं, इनसाइड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि अगर ये आपकी क्या है, बार मैग्नेट है, तो आपके जो पोल्स होंगे वो थोड़े से क्या होंगे, अंदर होंगे। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसलिए आपकी मैग्नेटिक लेंथ जो होती है वो ज्योमेट्रिक लेंथ से थोड़ी सी क्या होती है, कम। ठीक है, यस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अभी अपन ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी क्या पढ़ा हुआ है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपन ने क्या पढ़ा था कि आपका क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस क्या होता है, आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको अपन रीड कैसे करते हैं कि आपका क्लोज इंटीग्रेशन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके अराउंड ए सरफेस, मतलब अराउंड ए क्लोज सरफेस जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। फिर से क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, किसके एप्सिलॉन टाइम्स होता है, आपके टोटल चार्ज जो अनक्लोज है किसके अंदर, आपकी सरफेस के अंदर। ये क्या होता है आपका, गॉस लॉ किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। लेकिन अब अपन बात करते हैं किसकी, अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, अगर मैं बात करूँ डाइपोल के लिए, तो डाइपोल क्या होता है आपका, पेयर होता है किसका, इक्वल और अपोजिट चार्ज का। तो अब इक्वल और अपोजिट चार्ज मान लो किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है, ये आपकी क्लोज सरफेस है, और अंदर क्या रखा हुआ है, एक आपका क्या रखा हुआ है, डाइपोल रखा हुआ है, एक आपका क्या है प्लस क्यू और एक क्या है माइनस क्यू। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। अब टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो, और ये जीरो हो गया तो ये कंप्लीट टर्म कितनी हो गई, जीरो। इसका मतलब जो डायपोल के लिए होता है वो कितनी, ये आपकी इक्वेशन ये वाली आती है। तो ये तो भी डायपोल के लिए कि आपका जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन हो गया वो क्या हो गया, जीरो। अब ये तो बात है डायपोल की, लेकिन अगर अपन मैं मैग्नेटिज्म के लिए इसको बात करूँ, तो मैग्नेटिज्म में मैं क्या देखता हूँ कि सबसे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो किससे होता है, मैग्नेटिक डायपोल से। क्योंकि सबसे मिनिमम जो क्वांटिटी पॉसिबल होती है वो क्या होती है, एक तो कौन सा होता है, नॉर्थ पोल, और एक कौन सा होता है, साउथ पोल। दो आपके क्या पोल्स होते हैं अपने यहाँ पे, दो, एक तो क्या होता है नॉर्थ पोल, एक क्या होता है साउथ पोल। अब सबसे मिनिमम पॉसिबल भी यही है, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो भी इसी की वजह से बनता है। तो अब अगर मैं क्या करता हूँ इसका क्लोज, अब उसके लिए अगर मैं आपकी ये इक्वेशन लिखूँ तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिज्म के लिए आपके गॉस लॉ की इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू, अब इक्वल टू आपकी पोल स्ट्रेंथ की बात करूँ तो दोनों पोल स्ट्रेंथ मिला के क्लोज सरफेस के अंदर कितने मिल हो जा रहे हैं, जीरो। अगर ये सरफेस में क्लोज कर दूँ तो आपकी टोटल पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाती है, जीरो। अब पोल स्ट्रेंथ आपकी जीरो हो गई तो उसकी वजह से आपके इक्वल टू कितना हो जाता है, जीरो। तो ये आपकी जो इक्वेशन आ रही है किसके लिए आ रही है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म के लिए। फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होती है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब डायपोल के लिए कितनी हो जाती है, जीरो, क्योंकि टोटल चार्ज अनक्लोज कितना हो रहा है, जीरो। लेकिन यहाँ पे तो आपके डायपोल ही एग्जिस्ट करते हैं, मैग्नेटिक डायपोल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनता ही इससे आपके पैर की वजह से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई किसके लिए, आपकी गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म की आपकी इक्वेशन हो गई। अभी इक्वेशन बता क्या रही है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए सरफेस
विल बी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन बता रही है। लेकिन अपन को पता है कि आपका जो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस जो होता है किसी के भी अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ऐसे ही अपन क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटू उसके एरिया को अपन क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब क्या है कि आपका गॉस लॉ को कैसे और कैसे रीड कर सकते हैं कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है अराउंड एनी क्लोज सरफेस वो कितना होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। तो ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। ये किसके लिए, डाइपोल के लिए, ना कि अगर चार्ज हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि ओपन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ तो हर है ही नहीं। तो हर केस के अंदर मैग्नेटिज्म के अंदर क्या होगा कि आपका किसी भी क्लोज सर्फेस के अराउंड जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा वो कितना होगा, जीरो। तो अब इसके कंक्लूजन क्या निकले, ये जो गॉस लॉ अपन ने मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ा है इसके कंक्लूजन क्या निकले। फर्स्ट क्या कंक्लूजन निकलता है कि आपका जैसे आपने क्या बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, जीरो, किसी भी क्लोज सरफेस के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है। मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो इसका मतलब क्या है कि आपका जो कोई भी आपने क्लोज सरफेस ली तो उसके अंदर न तो कोई सोर्स हो सकता है, न कोई सिंक हो सकता है, न तो सोर्स पॉसिबल है, ना आपका क्या पॉसिबल है, सिंक पॉसिबल है। किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। क्योंकि अगर सोर्स होता तो आपकी क्लोज सरफेस से क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, और अगर सिंक पॉसिबल होता तो आपकी क्लोज सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती, एंटर होती। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज सर्फेस के अराउंड कितना आ रहा है, जीरो। इसका मतलब किसी भी क्लोज सर्फेस के अंदर ना तो कोई क्या होता है, सोर्स होता है, ना कोई क्या होता है, सिंक। और ना सोर्स होता है ना सिंक होता है, इसका मतलब ना तो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजन होता है ना मैग्नेटिक फील्ड का क्या एंड। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि आपका जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोपोल पॉसिबल नहीं होते। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि आपके जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन मोनोपोल्स। हमेशा किसमें होंगे, वो हमेशा किसमें होंगे, पेयर्स में होंगे। मतलब अगर नॉर्थ पोल है तो क्या होना पड़ेगा, साउथ पोल भी होना पड़ेगा, दोनों इंडिविजुअल नहीं हो सकते। क्योंकि अगर इंडिविजुअल होगा इसका मतलब सोर्स है और सिंक भी है, लेकिन ये सोर्स और सिंक तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्लक्स जीरो है। सेकंड क्या है आपका कि टोटल फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब जितना आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से उतनी क्या हो जाती है, वो एंड हो जाती है साउथ पोल पे। इसका क्या मतलब है कि जो नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ किसकी होती है, साउथ पोल की। मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल। क्यों, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ जब सेम होगी तभी तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, जीरो। थर्ड क्या है आपका कि क्लोज सरफेस के अराउंड जितनी लाइन क्या होती है, इनिशिएट होती है, उतनी ही क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। मतलब नंबर ऑफ लाइन जो पास होती है आपकी क्लोज सरफेस पे सेम होती है।